लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक, मैंने पिछली वीडियो में मैंने लाइटिक साइकिल की बात करी थी, तो उसमें बात करें हम लाइसोजेनिक साइकिल की, तो ये ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता लाइटिक साइकिल से लाइसोजेनिक साइकिल का। बस लाइसोजेनिक साइकिल के ना कुछ शुरू के स्टेप्स ना वो अलग होते हैं, बाकी बाद में सेम ही सिमिलर वही चलती है लाइटिक साइकिल वाली साइकिल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सेम वही थिंग है, वायरस आता है हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये मान लीजिए ये हमारा क्या बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब ये क्या करेगा, अपना क्या करेगा, वायरल जीनोम छोड़ देगा, ठीक है, इसे इंजेक्शन कह लीजिए, शॉर्ट में बोल रहा हूँ इंजेक्शन। और फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, ये अलग चीज़ है कि ये जो वायरल जीनोम है ना, ये सर्कल की शेप में आ जाएगा, तो इसको हम सर्कम्फ्लाइजेशन ऐसे कुछ लिख सकते हैं। और ये है हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम और ये हमारा वायरल जीनोम, कुछ सर्कल की शेप में आ जाएगा। फिर क्या होगा, तीसरा स्टेप में क्या होगा कि ना जो ये वायरल जीनोम है ना, ये इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे क्या बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, मतलब कि ना ये जुड़ जाएगा, इससे इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इसे थोड़ा ऐसे करके बना देते हैं, ये रहा हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम और ये कुछ थोड़ा ऐसे गाढ़ा है, ये थोड़ा मतलब ऐसे है, और इसे मैं मान लेता हूँ। तो ये क्या है हमारा वायरल जीनोम और यह है हमारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये जुड़ चुका है एक दूसरे से, इनकॉर्पोरेट हो चुका है बैक्टीरियल क्रोमो। तो ये जो अब ये जुड़ चुके हैं, तो अब इसका क्या होगा कि अब ये हो चुका है, अब बाकी क्या होगा, अब सिमिलर है जो हमारी लिटिक साइकिल में थी, सेम हमारा क्या होगा, सेम इसमें हमारा सिंथेसिस ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स बनने चालू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, हमारा वायरस बनना चालू हो जाएगा, असेंबली एंड पैकेजिंग होगी, और आखिर में क्या होगा, लाइसिस हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये सिमिलर साइकिल है, ये लिटिक साइकिल जैसी है, बस इसमें कुछ शुरू के स्टेप्स थोड़े अलग है, बाकी सिमिलर है।